यदि आपने ये तीन काम अपने जीवन में अपना लिए तो विश्वास मानिए, जिंदगी में कभी आपको घुटने का दर्द नहीं होगा, कभी आपको घुटने नहीं बदलवाने पड़ेंगे, जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं आर्थराइटिस। मैं डेली पेशेंट देख रहा हूँ और मैं अपने पेशेंट को यही बताता हूँ और मैंने देखा कि बिना दवाई के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और यदि आप चाहते हो कि इन फ्यूचर कभी भी आपको, देखिए आज के समय आपको नहीं पता लेकिन जो घुटने का दर्द है ना, ये बीपी, शुगर, थायराइड, इससे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यदि आपके घर में जिसने 50 साल की उम्र क्रॉस कर ली, आप देख लेना उसको घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब इसके जो कारण है वे भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपने जो तीन नियम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी एज यंग है और आप चाहते हो कि इन फ्यूचर में आपको कभी आपको घुटने का दर्द ना हो तो अपना लेना। सबसे पहले अपना खान पीन यानी कि न्यूट्रिशन। अब खान पीन में क्या सबसे ज़्यादा आप क्या लें जिससे कि आपके जो घुटने हैं वे बिल्कुल फिट रहे, इसमें आता है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन आपकी मसल्स को तो बनाते ही बनाते हैं, आपके घुटने भी मजबूत रखता है। और यदि आप वेजिटेरियन हो, शाकाहारी हो, तो आपको प्रोटीन कहाँ मिल रहा है, आप खुद ही सोचिए आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। नॉन वेज है चलो वो एक बार ले रहा है, लेकिन वेज को तो प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है ना, कितने आप दाल ले लोगे, कितना आप पनीर खा लोगे। और इसी की वजह से देखिए, जब आपकी बॉडी को, समझिए एक बात, पूरी जो वीडियो है पूरी साइंटिफिक है ये, जब आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपकी जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं चीर फाड़ हो जाता है, मतलब उथल पुथल मच जाता है इसमें, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो जब मसल्स टियर हो जाएगी, वियर हो जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशन पैदा हो जाएगा मसल्स के अंदर। तो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा हो जाता है तो क्या होता है, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायरॉयड, कोलेस्ट्रोल, ये आ जाता है। देखिए जितनी भी आज के समय लाइफस्टाइल बीमारी है ना, सारी इन्फ्लामेशन से आ रही है। और इन्फ्लामेशन कहाँ से हो रहा है, जो आप बाहर का तला हुआ खाना खा रहे हो ना, प्रोटीन आपके अंदर जा नहीं रहा है, आप बाहर का जो प्रोसेस फूड है वो ज़्यादा ले रहे हो, उसी ने हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा कर दिया। और यदि देखिए आज अपने आसपास देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, कौन कितना प्रोटीन खा रहा है, कौन कितना बाहर का खाना खा रहा है। यदि आपकी एज यंग है, चाहे कितनी भी हैं, आप देखना जो प्रोसेस फूड है वो हमारे घर में खाया जा रहा है, लेकिन प्रोटीन हमारे घर में नहीं है। और हमारी जो बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, जो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी हम कहीं एक सप्लीमेंट कह लें, कुछ भी कहें इसको, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की। यदि आपके अंदर सही मात्रा में प्रोटीन जाएगा तो आपको बॉडी में कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं आएगा, ये मैं आपको 100% दावा करता हूँ। तो प्लीज़ अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए। सेकंड है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज के बारे में बहुत सी वीडियो में बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ अभी बता रहा हूँ। एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब एरोबिक में ये होती है जैसे आप साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, ये आपकी एरोबिक आ गई, मतलब दौड़ भाग करते हो। स्ट्रेंथ वाली होती है जैसे आप जिम में जाते हो, वेट उठाते हो, अपनी मसल्स को ट्रेन करते हो। अब कौन सी करनी चाहिए, देखिए दोनों करनी चाहिए। डेली आपको एरोबिक भी करनी है, और यदि आप देखिए एरोबिक तो आप करनी है, इससे क्या होगा, जो हमारे जो घुटने हैं उसके अंदर लुब्रिकेशन वो बढ़ेगा। लुब्रिकेशन एक फ्लूड होता है घुटने के अंदर, साइनोवियल फ्लूड, वो बढ़ता है जब आप इसको मूवमेंट करते हो ना घुटने को, चाहे आप साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, तो लुब्रिकेशन बढ़ता है। और जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जैसे आप जिम में जाकर लेग की एक्सरसाइज करते हो ना, तो इससे जो लेग की मसल्स है वे मजबूत होती है, यानी कि आपकी मसल्स भी मजबूत हो रही है, आपका साइनोवियल फ्लूड भी बढ़ रहा है, दोनों। इसलिए मैं कहता हूँ आप जिम भी जाना स्टार्ट कीजिए। आप हफ्ते में चाहे 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, बस ऐसा नहीं कि आपको डेली करना है, तो आप देखना आपके जो घुटने मजबूत हो जाएंगे, आपके घुटने नहीं आपके पूरी बॉडी मजबूत हो जाएगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक है जो मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। देखिए जब हमारी बॉडी पर, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि हम अपने सिर पर कोई ज़्यादा वजन रख ले, तो क्या हम चल पाएंगे, सीढ़ी चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे ना, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा वजन जब हमारी बॉडी पे आता है तो उसका जो प्रेशर पड़ता है हमारे घुटने पर पड़ता है। जितनी हमारा बॉडी वेट बढ़ता है तो इसका मतलब कि हमारे प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, घुटने पर। छोटे छोटे घुटने होते, कोई इतने बड़े तो होते नहीं, और इस पर आप 100 किलो का वजन रख दोगे तो ये कहाँ से बढ़ेगा। आप नोटिस करना, जिसको भी घुटने का दर्द है उसका बॉडी वेट जाता है, चाहे आपके परिवार में है, चाहे आपके पड़ोस में है। मैं डेली पेशेंट देख रहा हूँ तो मुझे पता है। तो यदि आप अपना वजन कम रखोगे, यानी कि आप अपने शरीर पर बोझ कम रखोगे, तो आपके घुटने पर भी बोझ कम पड़ेगा।
जब घुटने पर बोझ कम पड़ेगा तो वे आपस में रगड़ेंगे नहीं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होगा। जब देखिए घुटने पर जब वजन पड़ता है ना तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वे आपस में रगड़ना चालू हो जाते हैं। तो जब वे रगड़ेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर पेन यानी कि दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने बॉडी वेट को कम कीजिए। अभी मैंने एक्सरसाइज बताई है, आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खान पीन कीजिए, ये तीन चीज़ें आप करना स्टार्ट कीजिए। देखिए या तो आपको दर्द है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपना जब ज़्यादा सीवियर पेन में आता है ज़्यादातर हमारे पास, तो हम अपना प्रोडक्ट देते हैं, इससे ठीक हो जाता है। और ये कुछ मेरी देसी दवाई है, इसको मैं लगा के साथ देता हूँ, एक से दो महीने में कितना भी दर्द हो वो हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद मैं यही बोलता हूँ पेशेंट को, देखिए अपनी डाइट अच्छी रखिए, अपना डेली एक्सरसाइज कीजिए और अपना वजन ना बढ़ना है, बस ये तीन काम करिए, आपको ज़िंदगी में कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना खानी पड़े, तो तीनों काम करना स्टार्ट कीजिए, कभी आपको मेरा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं 100% कह रहा हूँ आपको, आप करना, आपकी बॉडी खुद आपको बोलेगी। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना जिनको घुटने में दर्द है, आपके परिवार में रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी हो उनको ये शेयर कर देना, क्या पता ये वीडियो देखकर उनकी ज़िंदगी बदल जाए। थैंक यू वेरी मच।